हे गाइस, वेलकम टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, अगर बात करें एमबीबीएस क्लरिकल की, बहुत सारा डाउट इसी पे आ रहा है कि सर कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, कितनी वैकेंसी आएगी, कब इसका एग्जाम होगा। देखो, इस साल कुछ चेंजेस हुए हैं एमबीबीएस के कैलेंडर के अकॉर्डिंग। अगर बात करूं तो मैं हर साल ये एग्जाम दिसंबर और जनवरी में होता था, यानी दिसंबर में प्रीलिम्स और जनवरी में मेंस होता था। इस बार इसका शेड्यूल पूरा पूरा चेंज हो चुका है। इसका प्रीलिम्स अगस्त में हो रहा है, अगस्त के लास्ट में इसका प्रीलिम्स है। तो टाइम तो आप लोगों के पास है ही नहीं। आरआरबी की तैयारी कर रहे हो बिना हिंदी वाले, जो बिना इंग्लिश वाले हैं वो, और जिनकी इंग्लिश कहनी अच्छी नहीं है वो आरआरबी की तरफ जा रहे हैं। पर उनको ये भी ध्यान रखना है कि हर साल वो क्या करते थे कि आरआरबी देने के बाद उनके पास 2 या 3 महीने का टाइम होता था, उसमें वो कहीं कहीं कट ऑफ निकालने जितनी इंग्लिश तैयार कर लेते थे। पर इस साल आप लोगों को बता दूं कि जो आईबीपीएस क्लरिकल एग्जाम है वो अगस्त के लास्ट में हो रहा है, तो वो टाइम आपका नहीं है इस साल कि आप लोग पहले आरआरबी दो, आरआरबी के मेंस दो, उसके बाद इंग्लिश की प्रिपरेशन करो, फिर आप लोग आईबीपीएस क्लरिकल दोगे। ऐसा कुछ नहीं है। इस बार आपका एग्जाम आरआरबी के जस्ट बाद है, और आरआरबी बीयू, आरआरबी क्लरिकल, इन दोनों के मेंस भी उनके प्री के बाद है। तो कंबाइंड प्रिपरेशन करना पड़ेगा, जिसमें आप लोगों को इंग्लिश भी करना है, हिंदी भी करना है, कंप्यूटर भी करना है, जीके भी करना है, मैथ्स भी करना है, रीजनिंग भी करना है, यानी जितने भी बैंकिंग सेक्टर के अंदर सब्जेक्ट आते हैं उन सभी को एक साथ फोकस करना पड़ेगा। तो एक साथ टारगेट प्लान उसका बनाइए कि एक दिन में आप लोग कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देने हैं, कौन सा हमारा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा हमारा सब्जेक्ट कहीं कहीं स्ट्रॉन्ग है। तो ये आप लोगों को एक अपडेट देना है। आईबीपीएस क्लरिकल के लिए आप कहीं कहीं अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता है, जो पहले से प्रिपरेशन कर रहा है या जो न्यू अभी ज्वाइन हुआ है, तो ये चीज आप लोग फॉलो करें कि यार 5 के सब्जेक्ट जो है वो उनको साथ में लेके अपने चले। ये नहीं है कि अपने बाद में आरआरबी के बाद में टाइम मिलेगा कर लेंगे। हर साल मिलता था, पर इस साल कोई चांस नहीं है मिलने का, क्योंकि ऑलरेडी फिक्स है उनके कैलेंडर में कि आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है वो कहीं आप लोगों को जून के महीने में देखने को मिलेगा और प्रीलिम्स एग्जाम अगस्त में आपका देखने को मिलेगा। तो सभी को बेस्ट विशेस। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।